पूर्ण ऑक्सीजन है और जहाँ पूर्ण निर्भयता के साथ पशु पक्षी और एकदम वातावरण शुद्ध रहता है वहाँ उस जंगल में साधनाएं सिद्ध होती है। मैंने ये साधनाएं विंध्यावासिनी में देखी है, श्रीशैलम के जंगलों में देखी है, मैंने बहुत सारे जंगलों में साधनाएं संपन्न की है। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ और ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि हम अगर अपने योग्य गुरु के मार्गदर्शन में गुरु मंत्र जप करते हुए गुरु सेवा, मुझे आज भी एक ही बना रहता है, मैंने गुरु जी को क्या दिया। गुरु जी ने सब कुछ मुझे दिया लेकिन गुरु जी ने मैंने क्या दिया। हर रोज इस प्रार्थना, मेरे गुरु जी को कब मैं सोने का सिंहासन बनाऊंगा, मेरे गुरु जी के परिवार को कब सुखी शांति से रख सकूंगा, मेरे गुरुवार के परिवारजनों को इस आपको ये पंडाल बनाने के लिए मेरे जो सहायक यहाँ जिन्होंने ये पंडाल बनाने की क्रिया की, मैं एक एक का नाम लूँ तो आप देखेंगे सुबह शाम 24 घंटे काम किए हैं। वो गुरु के प्रति उनकी सेवा ऐसी निष्ठा हो कि उन्हें गुरु जी उनको ऐसी कृपा करें कि वो धनवान ऐश्वर्यवान हो जिन्होंने ये कार्य किया है। केवल एक कहने पे 2 महीने में ये सारा पंडाल तैयार हुआ, जिनकी सेवा है आगे जिन्होंने किया है, मैं एक एक का नाम बाद में लेकर। ऐसे गुरु सेवा निष्ठा के साथ करने वाले आज आप पंडाल के नीचे बैठे हुए हैं। ये केवल 1.5 महीने का कार्यक्रम है जो हमने पंडाल पूर्ण तैयार करने के लिए लगा, और आपके सामने आप बैठे हैं, या सामने का रहने का घर भी हो या फिर यज्ञ कुंड हो। हमारे रवि भैया है, उन्होंने भी इसके लिए कहा है। हम ऐसा नहीं कि मेरे इन सारे लोग, ये सेवा खाली नहीं जाएगी, 7 जन्मों तक भी गुरुजी उनको कभी भूखे नहीं मरने देंगे ना कभी असमर्थ मरने देंगे, ये मेरा वादा है जिन्होंने गुरु निष्ठा के साथ किया। हर क्षण ये मेरी सोच रहती है कि मैंने गुरु को क्या किया। मैं गुरु के पास से अगर एक कृपा भी देता हूँ, आज मैंने गुरु का एक अन्न का घास खाया तो मैं कहता हूँ कि मैंने गुरुजी को क्या दिया। गुरुजी ने मुझे इतना ऐश्वर्य दिया, सब लोग पांव पर, सब लोग देख रहे हैं मुझे, मैंने गुरुजी के पास ले आया तो मैंने गुरुजी, ये प्रश्न मेरा हर बार चलता है। कभी भी याद रखो जब ये प्रश्न आपके जीवन में उत्पन्न होगा कि मैंने गुरुजी को क्या किया है, और आप उसी मार्गदर्शन पर आगे चलेंगे तो गुरु भी सोचेंगे कि मैंने इसके लिए क्या किया है। गुरु को सोचने के लिए बाध्य करो कि गुरुजी आपके लिए सोचे, अरे ये तो मेरे लिए जीवन अर्पण किया है, तो गुरुजी अगर आपके लिए सोचेंगे तो आपको तो ब्रह्मांड से सारा वैभव आपके लिए देंगे। सिर्फ आपकी सोच बदलनी है कि मैंने गुरुजी के लिए क्या किया है। आप ये सोचकर गुरुजी का कार्य करते रहो तो गुरुजी आपके लिए कहते हैं कि इसने मेरे लिए किया है, मैं इसके लिए क्या करूं। और गुरुजी जब सोचते हैं तो वो तो पहाड़ अपने पास रखे हुए हैं, तुम्हें देने के लिए उनके पास कुछ कमी नहीं, अपने पास ही देने के लिए उनके लिए कमी है। हम इस बात को सोचें। मैं चाहता हूं, मेरा एक ही है, मेरे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को कोई उंगली उठा के न बताएं, या नहीं वो साधनाएं सिद्ध नहीं होती। यार मैंने अब नहीं कहना चाहिए लेकिन मैंने किसी से सुना भी है ये कि तारा साधना सिद्ध नहीं होती, कोई स्वर्ण बिंद नहीं आता, ऐसा भी लोगों ने कहा है। इसके लिए मुझे ये करना पड़ा कि मेरे गुरु जी के वचन झूठ नहीं होते, ये वचन सिद्ध है, जो साधना करता है निष्ठा से पूर्ण होता है। आगे भी यही बात करूंगा, आगे भी दशमा विद्याओं को सिद्ध करके ही मरूंगा, यहाँ जब तक दशमा विद्याएं हैं, और ये बता दूंगा कि ये साधनाएं आज भी है और आप ऐश्वर्यन आज नहीं तो कल आने वाले में आप याद रखेंगे कि अनिल कुमार जोशी नाम का एक व्यक्तित्व था और उसने इस संसार में ये बता दिया था कि दशमा विद्याएं हैं, और वो डॉक्टर नारायण श्रीमान सद्गुरुदेव जी का शिष्य था, स्वामी निकलेश्वर का शिष्य था। ये आप बोल ले उस दिन मैं अपनी छाती को ठोक के कहूंगा कि मैं भी एक शिष्य हूं। हर क्षण हमारा ये इस क्षण में बदले कि मैं गुरु जी के लिए क्या किया हूं। बस ये तुम सोच रखो और गुरु जी के लिए करते रहो, गुरु जी तुम्हारे लिए करेंगे कि ये मेरे लिए करता है, मैं इसके लिए क्या करूं। और गुरु जी का देना हमारे लिए बहुत कुछ होता है, हम ये नहीं सोचे कि देने से पहले मेरे बच्चों का क्या होगा। आप छोड़ दो, उसकी चिंता तो गुरु करेंगे, गुरु देखेंगे उनके लिए क्या करना है। इन सभी साधकों ने जो यहां आपके सामने खड़े हैं, ये सभी लोग भी, हम वो बम्लेश्वरी के पास डोंगरगढ़ में जो साधना कहते हैं, इन सभी लोगों ने उन साधना का स्वर्ण देखा है। मैं इन सभी को आशीर्वाद देता हूं कि आगे भी ऐसी साधना करते रहें और लोग एक प्रेरणा स्त्रोत्र बने, और निर्मल भी उनको बहुत ही प्रेरणा प्रदान करें, ऐसी आशा करता हुआ सभी को आशीर्वाद प्रदान करता हूं। अभी जिन लोगों ने तारा साधना किए हैं उनकी दूसरी स्टेप की भी साधना है। अभी हमको एक महाविद्या सिद्ध हुई, अभी दूसरी महाविद्या भी करना है, फिर तीसरी महाविद्या करना है, क्योंकि हमको सिद्धाश्रम जाना है, लेबर कुली का काम नहीं करना है, है ना। ये बात आप ध्यान रखो, साधनाएं करके आगे बढ़ना है हमको। हमें गुरुजी का वचन निभाना है। गुरुजी कहा करते थे कि आप 3 महाविद्या सिद्ध करके आपको सिद्धाश्रम पहुंचना है, आप करो या ना करो, कभी अपने बारे में जितना सोचते हो उतना गुरु जी के बारे में सोच शुरू कर दो, गुरु जी आपके लिए सोचेंगे, और गुरु जी जब आपके लिए सोचेंगे आपको ब्रह्मांड का व्यक्तित्व बनाएंगे। आप गुरु जी को बाध्य करो कि गुरु जी आपके लिए सोचे, गुरु जी आपका नाम ले, कहें कि आप हैं। आप जिस दिन ये करेंगे, गुरु जी भी शिविर में कहा करते थे, अरे मैं तुम्हें कहता हूं
मैं अगर मंत्र पढ़ूं तो देवता मेरे सामने खड़े हो जाते हैं, मेरा मुख इतना सिद्ध है, इतना वाक सिद्धि है, वाक शुद्धि है मेरे पास कि मैं मंत्र बोलूं तो देवता खड़े हो जाते हैं। ये एक बार याद रखो, जिसके इस मुंह से अगर मैं किसी का नाम, किसी शिष्य का नाम लूं तो आगे वाले जमाने में पूजा जाएगा आपके सामने खड़ा। गुरु जी के मुख से अपना नाम आया तो समझ लो कि आपको देवता तत्व की ओर ले जा रहे हैं, ऋषि तत्व की ओर ले जा रहे हैं। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, यह आज का जो साधना का यह कार्यक्रम है हम यहां पूर्ण करेंगे। और दो शब्द में हमारी पुरानी साधिका और गुरु जी की शिष्या है शोभा देल जी, अपने अनुभव में नहीं तो पांच शब्द तो बोलेंगे आपके सामने। परम पूज्य गुरुदेव की जय। मैं अपने आप को इतना समर्थ नहीं मानती थी कि मैं ये सब कर पाऊंगी। सुनती थी बहुत अच्छा लगता था, मन में बहुत ज़्यादा उत्साह था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी अपने आप को मैं इतना आत्मविश्वास नहीं था कि सचमुच में ये सब हो सकता है मेरे से। लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी के मुख से निकले हुए उन शब्दों की सिद्धि से ही ये चीज़ प्राप्त हुई है। सिर्फ और सिर्फ गुरु कृपा, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। लेकिन उसमें आस्था और विश्वास ही गुरु कृपा लाती है, दैट्स ऑल। शोभा जी ने एक बात नहीं बताई, अनिल कुमार जोशी से वो जुड़ के कम से कम 2 साल हो रहे हैं और बहुत पुराने लोगों से वो जुड़ के 10-15 साल से हैं, तो कम से कम उनके अनुभव के सामने हमारा अनुभव क्या है ये भी बोल देती तो गुरु कृपा सबको प्राप्त होती कि वो अनुभव उन्होंने लिया है। गुरु जी भी बहुत परीक्षा लेते हैं, बड़े गुरुदेव की परीक्षा से तो गुजरे हैं, लेकिन अनिल गुरु जी की भी परीक्षा कम नहीं है। मुझको तो इतना भ्रम हो गया था, मेरे सामने चीज थी और मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। गुरु जी मेरे को पकड़ के ले गए, बोले बार बार बोलती नहीं हुआ, बार बार बोलती नहीं हुआ, दिखता नहीं है, देख क्या है सामने। सचमुच में मुझे नहीं दिखा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझ में अपने आप में विश्वास नहीं था कि सचमुच में मैं ये कर सकती हूँ। मैं कर सकती, गुरु जी के ऊपर तो विश्वास है। गुरु जी शर्मिंदा हो रही थी कि मैं बार बार, मेरे को बोलना पड़ रहा है, बार बार बोलना पड़ रहा है, और गुरु जी बार बार पूछते हैं, मैं बार बार सिर हिलाती हूँ नहीं। लेकिन जब गुरु जी ने दिखाया तो मुझे इतना लज्जित महसूस हुआ कि मैं बता नहीं सकती कि मैं इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि देख सकूँ सामने चीज़ है। सचमुच में यह अद्भुत, मैं उनके सामने जाने के लायक भी नहीं थी कि मैं अब कैसे जाऊं चरण स्पर्श करने। बहुत हिम्मत करके 2 घंटे बाद गई। क्या बताऊं, वो अनुभव बहुत ही अद्भुत है। और उसके बाद, उस समय तो समझ में नहीं आया, शून्य था दिमाग, बाद में महसूस हुआ कि सचमुच में कुछ मिला है। गुरु कृपा किसको कहते हैं समझ में नहीं आता जल्दी से, धीरे 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 वो चीज़ महसूस होती है। बड़े गुरुदेव के सामने तो सचमुच में ऐसा ही था, मैंने कभी नहीं मांगा, उन्होंने कहा मांग क्या चाहती है, लेकिन मैंने सिर्फ उनके चरणों में स्थान मांगा था, वही सिद्ध हुआ है। गुरुजी हमेशा साथ में हैं, लेकिन आप जानते हैं सभी लोग कि सांसारिक जीवन में जीव इतना उलझा रहता है, इतना उलझा रहता है कि सामने सब चीज़ है, विश्वास है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी समर्पण उतना नहीं आता, उतना टाइम और चीज़ों के लिए निकल जाता है, लेकिन इस चीज़ के लिए नहीं निकल पाता। गुरुजी ने मुझे बहुत ज़्यादा, उनके शब्दों से मुझे हिम्मत आई और मुझे यहाँ ऐसा स्थान मिला कि लगा कि हाँ कर सकते हैं। घर में बैठ के सचमुच में बहुत मुश्किल है, और इस उम्र के पड़ाव में अब जंगल में भी जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत की। और अरुण मेरा गुरु भाई, छोटा बेटा, बेटा ही जैसा है मेरा, वो मेरा भैरव है, वो उसने मुझे जंगल में साधना करवाई, और मेरा अनुभव बहुत ज़्यादा, और सचमुच में भैर निकल जाए। मैंने पहले भैरव, थोड़ा सा भैरव मंत्र जाप किया था गुरु जी के आशीर्वाद से जो मिला था, कि मेरे पर भय नहीं होना चाहिए। बहुत भयानक जंगल है, वहाँ पर शांति भी है, लेकिन अद्भुत उसका अनुभव है, बता नहीं सकती मैं। लेकिन जंगल में साधना करने का श्रेय मेरे छोटे भाई अरुण को जाता है, गुरु कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से। हमें हर समय मैंने गुरु जी की उपस्थिति महसूस की, बहुत डरावना अनुभव था वहाँ का, लेकिन गुरु कृपा रही
और वो मुझको डर नहीं लगा। ये दोनों भाई जो अरुण और एक और हमारे गुरु भाई उमाकांत, वो दोनों एकदम भैरव के जैसे साथ में थे, एकदम भैरव के जैसे साथ में थे। और पूरे समय मैंने महसूस किया गुरुजी की उपस्थिति को, पूरे समय मैंने महसूस किया। और सचमुच में वहाँ तो अनुभव नहीं हुआ, वहाँ तो प्राप्ति नहीं हुई, अनुभव तो बहुत ज़बरदस्त था, प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन गुरु चरणों में यहाँ पर स्थान मिला मुझे और मैंने यहाँ प्राप्त किया। आप सब भी विश्वास रखिए, गुरु चरणों में विश्वास के अलावा हिम्मत नहीं आती, भय नहीं जाता और प्राप्ति भी नहीं होती। जय गुरुदेव।